अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमेरिकन स्टैंडर्ड ये एयर कंडीशन है, ठीक है। इसमें जो प्रॉब्लम हो रहा था, इसका कंप्लेन था, एसी रन नहीं कर रहा है, ब्लोअर कुछ नहीं चल रहा, तो उसको हम लोग जल्दी से ट्रबल शूट कैसे करते हैं उसी के बारे में आपको हम बताएंगे। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ से सप्लाई हमारा ऑन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पीसीबी में भी ग्रीन लाइट जल रहा है, मतलब यहाँ भी मेरा लाइट आ रहा है, तो ठीक है। अगर उसको मेक श्योर कर लेते हैं सप्लाई के बारे में, सबसे पहले देख लीजिए, हम लोग यहाँ सप्लाई में फेस न्यूट्रल पर लगा रहे हैं, ठीक है। फेस न्यूट्रल पर लगाएं, यहाँ पर देखिए 230 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको प्रॉब्लम क्या है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी ऐसा फाइंड आउट करने का रहेगा, टेस्ट करने का रहेगा, मेरा मशीन रन नहीं कर रहा, तो सबसे पहले हम लोग जो चेक करेंगे, थर्मोस्टेट को, नीचे इसका थर्मोस्टेट लगा ओपन लेवल, थर्मोस्टेट से सप्लाई यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और थर्मोस्टेट में जा रहा है कि नहीं, क्योंकि थर्मोस्टेट से आएगा उसका बाद ही आगे का वर्क करना शुरू करेगा। तो अब सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर हम लोग मीटर को वोल्ट में डाल लिए, देखिए वोल्ट में सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आर लिखा हुआ है, यहाँ पर सी ओ एम लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए सी ओ एम लिखा हुआ, तो हम लोग आर आर सी ओ एम कॉमन जो उसमें लगाएंगे, ठीक है। देखिए सी ओ एम, देखिए यहाँ पर लगाएं सी ओ एम और आर में लगाएं, यहाँ पर क्या है 26 वोल्ट, मतलब 24 वोल्ट का वोल्टेज है ये थर्मोस्टेट में जा रहा है। अब हम लोग चेक करेंगे थर्मोस्टेट से सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रही है, बहुत कोई को नहीं मालूम होता, चेक करने के चक्कर में सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थर्मोस्टेट से कमांड आएगा तो ही फिर बाद में कंप्रेसर हमारा ब्लोअर ऑन होगा, उसके बाद कंप्रेसर होगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अब उसको हम कैसे चेक करेंगे उसी चीज़ को हम बताने जा रहे हैं। तो हम पावर सप्लाई चेक कर लिए, पावर सप्लाई है, पीसी में भी लाइट जा रहा है और हमारा थर्मोस्टेट में भी लाइट जा रहा है, सॉरी करंट जा रहा है, सप्लाई जो जा रहा है 24। देखिए यहाँ पर आर में लगा, एक आर में लगा रहे और एक सी ओ एम में लगा रहे, ठीक है। एक आर में एक सी ओ एम में लगा रहे हैं, यहाँ से सप्लाई जो जा रहा है। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट जो हम लोग कैसे चेक करेंगे, इसमें देखिए थोड़ा सा पहचान दे, Y1 जो है, Y1 है कंप्रेसर 1 है, G जो होता है, G इसका जो कोड होता है, देखिए यहाँ पे G जो कोड होता है, Y1 कंप्रेसर 1, G जो होता है वो ब्लोअर का होता है, और Y2 जो होता है कंप्रेसर 2 का। देखिए इसमें दो कंप्रेसर लगा हुआ, इसलिए Y1 Y2 है, ठीक है। जैसे 4 रहेगा Y1 Y2 Y3 Y4, ठीक है, इतना पहचान लीजिए, ठीक है। W1 W2 जो हीटर के लिए होता है, तो इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं, अभी हम लोग चेक करेंगे कि इसका ब्लोअर ऑन नहीं हो रहा, इसका थर्मोस्टेट सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, रिटर्न कमांड आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए हम लोग क्या करेंगे, एक COM जो लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉमन, ठीक है, COM जो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए एल में, यहाँ पर एक मीटर का वायर लगाएंगे, और दूसरा जो लगाएंगे जी में लगाएंगे, देखिए मीटर में, देखिए यहाँ पे, अब मीटर में देखिए, मीटर में जो वोल्ट में रखे हुए, वोल्ट में मीटर में क्या हो रहा, यहाँ पे थर्मोस्टेट से मतलब बटन ऑफ है, अगर ऑन करेंगे तो यहाँ पर 20 वोल्ट सप्लाई आ जाएगा, 24 वोल्ट सप्लाई आ जाएगा। आए जैसे सप्लाई होगा तो कॉन्ट्रैक्टर हमारा एनर्जाइज हो जाएगा, तो आपको समझ में आएगा, इस थर्मोस्टेट से ऊपर थर्मोस्टेट ऑन करेंगे तो मशीन हमारा चलना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली क्या, हम लोग छत के ऊपर चढ़े हुए, रूफ टॉप के ऊपर चढ़े हुए हैं, देखिए यहाँ पर एक लगाएं कॉमन में, एक लगाएं जी में, ठीक है। देखिए एक कॉमन एक जी में लगाएं हम लोग, ठीक है, एक कॉमन एक जी में लगाएंगे थर्मोस्टेट में। यहाँ से अगर आप सब सप्लाई आएगा ऑन रहेगा वहाँ से बटन, तो यहाँ 24 वोल्ट शो करेगा। मान लीजिए 24 वोल्ट यहाँ आ रहा, अभी तो नहीं आ रहा इसका वजह से ऑफ है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है उसका बाद का हमारा ऑन नहीं हो रहा, तो हम लोग सीधा इसका क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर को चेक करेंगे, ओवरलोड का कॉन्ट्रैक्टर कोयल को चेक करेंगे। कोयल को चेक करने के लिए हम लोग कोयल वोल्टेज में, जैसे देखिए यहाँ कोयल वोल्टेज है, एक कोयल है, दोनों कोयल हम लोग ऐसे चेक करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा लगा के हम लोग चेक करेंगे कोयल में, तो यहाँ पर आपका वोल्ट बताएगा, वोल्ट बता रहे हैं यहाँ पर, फिर भी कॉन्ट्रैक्टर एंजाइज नहीं हो रहा, मतलब कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉब्लम है, इसको चेंज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बनाने की कोशिश करें न्यू टेक्निक के लिए, अगर अच्छा लगता तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, चलो फिर इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। एक छोटा छोटा वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करें, न्यू टेक्निक को छोटा हेल्प करें, यो ये भी समझ में बता दिया आपको, थर्मोस्टेट कैसे चेक करेंगे। अब मान लीजिए ब्लोअर चल रहा, कंप्रेसर नहीं चल रहा, तो उसको मैं क्या कह रहा है, कॉमन में एक वायर जो हमारा मीटर का है वो कॉमन में रहेगा, दूसरा Y1 में लगाएंगे, Y2 में लगाएंगे, जो कंप्रेसर नहीं चल रहा उसमें थर्मोस्टेट सप्लाई आ रहा है, अगर थर्मोस्टेट से सेंडिंग डिमांड आ रहा है, डिमांड सेंड कर रहा है, तो यहाँ 24 वोल्ट आ जाएगा। अगर मान लीजिए 22 आ रहा है, तो मान लीजिए कंट्रोल 22 को होगा तो 22 आएगा, 24 को होगा तो 24 आएगा। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगता तो लाइक कर सब्सक्राइब करना, चलो फिर इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। टोटल वीडियो मेरा प्रैक्टिकल होता है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं, न्यू टेक्निक के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, अल्लाह हाफिज़।